हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कुछ जो इम्पोर्टेंट रिसर्च टॉपिक्स होंगे उनसे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज वेवल इंस्टेबिलिटी से। इसका यूज हम प्लाज्मा रिलेटेड टॉपिक्स पे करते हैं। देखिए, आप जैसे मान लीजिए किसी लेजर मीडियम पर आप कोई लेजर लाइट डालते हैं प्लाज्मा मीडियम पर, तो वो लेजर लाइट के होने की वजह से जो प्लाज्मा पार्टिकल्स हैं वो आपस में ऑसिलेट करेंगे, और अगर उस प्लाज्मा के अंदर कोई भी पर्टर्बेशन नहीं है तो वो, जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन्स को केवल वाई डायरेक्शंस में हॉट मानता हूँ, एक्स और जेड डायरेक्शंस में वो कोल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे वाई डायरेक्शंस में अप एंड डाउन डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो जो नेट जो करंट जनरेट होगा इनकी वजह से वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं। तो अभी इसमें कोई भी पर्टर्बेशन नहीं है, इसकी वजह से कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जनरेट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कहीं से भी एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, एक मैं मानता हूँ बी इक्वल्स टू बी जेड कॉस के एक्स, एक स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड पर्टर्ब मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉइस की वजह से जनरेट हुआ है। अब इस स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसे लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो हम डिस्कस करते हैं। अब ये थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड कहीं एग्जिस्ट करता है तो उसकी वजह से एक लॉरेंस फोर्स लगेगा माइनस ई वी क्रॉस वी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को बैंड करने की कोशिश करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो चार्ज पार्टिकल्स को सर्कुलर मोशन देने की कोशिश करता है, तो सर्कुलर मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स पहले हमारे वाई डायरेक्शन में वो अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे थे, अब इनको लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में थोड़ी ट्रैजेक्टरी मिल जाएगी इतने फोर्स की। तो जो इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड जा रहे थे वो इस ए पॉइंट पर कॉन्ग्रेटली ग्रेट होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे थे वो बी पॉइंट पर इकट्ठा होने लगेंगे। तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, इस सिचुएशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि दो करंट वायर्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें ऊपर की तरफ इसमें नीचे की तरफ, इस वायर की वजह से अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो वो भी क्रॉस होगा। सिमिलरली इस वायर की वजह से, वायर वन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बी वन है वो क्रॉस है, और वायर टू की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसी पॉइंट पर होगा बी टू वो भी क्रॉस होगा। आप देख सकते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, अपर डायरेक्शन को हम थंब के हिसाब से देखते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है, सिमिलरली इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे आ रहा है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ग्रेटिव ग्रेड हुए हैं उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टर्ब्ड मैग्नेटिक फील्ड था, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉइस की वजह से जनरेट हुआ था, अब इलेक्ट्रॉन की ट्रैजेक्टरी चेंज हुई, उससे उनका पाथ चेंज हुआ, और इस पाथ चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ गया। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ गया है इसी को हम वेवल इंस्टेबिलिटी बोलते हैं, इन विच अ मैग्नेटिक फील्ड पर्टर्बेशन इज मेड टू ग्रो। मतलब जो थोड़ा बहुत पर्टर्बेशन इन मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ग्रो कर जाता है, तो जो रिजल्टिंग जो करंट जनरेट होगा, करंट डेंसिटी उसे हम कह सकते हैं माइनस ई एन नॉट वी, और इसकी वजह से जो ग्रोथ रेट आ रहा है, अगर हम मानते हैं कि वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन में वो वी नॉट है, एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में जीरो है, तो ग्रोथ रेट हमारा हो जाएगा ओमेगा पी वी नॉट बाई सी। इसमें ओमेगा पी है हमारी प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी, v नॉट है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो हम y डायरेक्शन में मानते हैं, और c है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे वेवल इंस्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्लाज्मा मीडियम के अंदर एक हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड काफी हाई ऑर्डर का हो सकता है, 10 टू द पावर 4 गॉस तक जा सकता है, इतना हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट हो जाता है सिंपली एक पर्टर्ब्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने वेवल इंस्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। आगे हम ऐसे ही टॉपिक्स और इसी वीडियो की सीरीज में जोड़ते रहेंगे। थैंक यू।